हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल मेक अवर जीपेड रिजल्ट एनालिसिस। ओके, सो जीपेड 2013 से लेकर जीपेड 2019 तक टोटल जो 7 ईयर का जो जीपेड था उसके रिजल्ट की हम आज एनालिसिस करेंगे। ओके, सो फार्मर ऑक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फार्मर ऑक्स द वे ऑफ सक्सेस। Subscribe our channel for such more pharma educational videos and press on the bell icon to get the notification of our each and every new video. So subscribe the channel and press on bell icon and never miss any video of a PharmaRocks. Common GPAT format. सबसे पहले हम देख लेते कि GPAT का जो format क्या है. Okay, what is the common format of GPAT? So GPAT exam having total 125 questions. Okay. Questions are like a multiple choice question. It is called a MCQ. Next is each MCQ having a 4 marks. Total marks are 500. Okay, so total exam rehti hai 500 marks ki. And time limit for the exam is a 180 minute. Okay, you have 180 minutes to solve that 125 MCQ. Okay. So you have enough time to solve the question. So let's check the GPAT result analysis of 2013. Okay, so in 2013, let's check first the result cutoff. GPAT ka jo result aaya 2013 ka, uska hum cutoff dekhe to general and OBC ke liye to jo tha wo hai 145 marks. Cutoff matlab ki wo score se upar aap jitna score karoge और वो क्वालिफाई रेंज कही जाएगी। तो समझो कि आप 145 मार्क्स लाते हो या फिर अबव 145, देन यू विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी द कट ऑफ इज 100 मार्क्स एंड फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड इट इज आल्सो 100 मार्क्स। ओके, सो सिर्फ दो ही क्राइटेरिया रखे थे, 145 एंड 100 मार्क्स इन जीपेट 2013। Let's check about the GPAT 2014. In 2014, cutoff is 125. जो 13 का 145 था उससे कम होके हुआ 120 हुए। 20 marks जितना cutoff जो है वो down गया। Next is schedule caste and schedule tribe का हो गया 100, SC ST का 100, जो 100 था वही maintain रहा। And for PH candidates physically handicapped, it is also 100. In 2015, general and OBC, it is again 125 marks. SC ST, it is 100, and PH candidates 100 marks. In 2016 GPAT, general and OBC, it is 115 marks. 125 tha usse bhi cut off down hua. Then SC and ST, it is 90. So usse kam hoke 90 hua, and फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 90, मतलब कि 10 मार्क्स जितना कट ऑफ जो है वो रिड्यूस हुआ एज कम्पेयर टू 2014 एंड 15। ओके, नेक्स्ट इन 2017 वो सबसे कम रहा तक की जो हिस्ट्री है जीपेट की, फ्रॉम 2013 जब से एग्जाम्स जो है वो ऑनलाइन हुए, जो नया फॉर्मेट जो 2013 से आया है 500 मार्क्स का, उसमें ये कट ऑफ सबसे कम है जनरल एंड ओबीसी का, वो है 113 मार्क्स। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एससी एसटी इट वाज 82 एंड फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैव 82 आल्सो। ओके, सो 113, 82 एंड 82। नेक्स्ट इन फॉर 2018 जीपेट जनरल एंड ओबीसी इट इज 113 मार्क्स। 113 मार्क्स जो था वो 137 मार्क्स, 137। फॉर एससी कैटेगरी कट ऑफ इज 98 मार्क्स, एसटी इट इज 67 एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हैव 119 मार्क्स। ओके, पीएच का कट ऑफ थोड़ा सेकंड नंबर पे था हाईएस्ट में, ओबीसी का 137 के बाद 119, एससी 98 एंड सबसे कम रहा एसटी 67 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट था जो अभी रीजन पे 2019 की जीपेट एग्जाम हुई,
उसमें जनरल या मतलब कैटेगरी के लिए था 141 मार्क्स, ओबीसी के लिए वो कट ऑफ रहा 117, एससी इट इज़ ए 95 एंड फॉर एसटी इट इज़ ए 74 मार्क। ओके, 141, 117, 95 एंड 74। ओके, सो जो 18 था उससे कट ऑफ जो है इंक्रीज हुआ फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी के लिए डाउन हुआ, एससी एसटी के लिए थोड़ा इंक्रीज हुआ। ओके, सो लेट्स चेक द कंपैरिजन ऑफ ऑल द रिजल्ट्स, ओके, फ्रॉम 2013 to 19। ओके, सो जनरल के लिए सबसे हाईएस्ट रहा 145। ओके, हियर वी कैन सी 145 145 100 100 100। ओके, 2013 की जीपेट का रिजल्ट अब तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एसटी के लिए भी 100, एससी के लिए भी 100 था, ओबीसी एंड जनरल के लिए आल्सो 145। देन सबसे लोवेस्ट कट ऑफ रहा 2017 में, जो था 113 फॉर ओबीसी, 113 सेम फॉर जनरल एंड 82 फॉर ए एससी स्टूडेंट। वाइल फॉर एसटी सबसे कम रहा 67 मार्क्स कट ऑफ इन ए ईयर 2018 एंड फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए सबसे कम कट ऑफ रहा 82 इन 2017 के अंदर सबसे हाईएस्ट रहा उनका 119 एंड इन 2019 इन ए मेरिट लिस्ट देर इज नो एनी डिस्क्रिप्शन अबाउट द फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट, सो वी हैव नॉट एड दैट क्वालिफाइंग मार्क्स इन दिस टेबल। ओके, जो जीपेट का जो मेरिट लिस्ट 2019 का है उसमें ये चार कैटेगरी का ही उन लोगों ने मेंशन किया है, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि अराउंड 125 फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट को उन लोगों ने क्वालिफाई किया है। ओके, बट कौन से बेसिस पे क्वालिफाई किया है, कितना कट ऑफ रखा है, वो वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी हैव नॉट इंक्लूडेड हियर। सो लेट्स चेक द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ दिस रिजल्ट। ओके, ये हमने एक पूरा ग्राफ दिखाया है आपको फ्रॉम 2013 से 2019। ओके, सो ये ग्राफ में आप देख सकते हो कि 2013 के अंदर ओपन ओबीसी का कट ऑफ सेम था, सेम एज एससी एसटी का कट ऑफ भी सेम था 100। ओके, देन 2014 के लिए ये ग्राफ नीचे आता है थोड़ा सा, 125 एंड 100, सेम फॉर 2015 125 100, फिर ग्राफ और थोड़ा नीचे आता है फॉर 2016 115 और 90। ओके, देन अगेन इट विज रिड्यूस टू 113 एंड 82 इन 2017। बट 2017 के बाद आप देखो कट ऑफ थोड़े बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, 2018 में जो 137 था ओपन ओबीसी वो इंक्रीज होके हुआ ओपन का 141, ओबीसी का डाउन हुआ, बट एससी स्टूडेंट एंड एसटी का थोड़ा बहुत कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हुआ। ओके, सो बाय दिस ग्राफिकल एनालिसिस वी कैन मेक द सम प्रेडिक्शन फॉर 2020 आल्सो। ओके, सो आपको क्या स्ट्रेटर्जी बनानी है टू क्वालिफाई द जीपैट, क्योंकि आप देख सकते हो सबसे हाईएस्ट 145 हुआ है। ओके, एंड सबसे लोवेस्ट रहा था ओपन के लिए 113 मार्क्स, सो समझो कि आप 113 से 145 के बीच में है कहीं, तो भी थोड़ा क्या रहेगा ऑन सेफ, कि शायद समझो कि कट ऑफ 145 से ऊपर चली गई तो भी आप क्वालिफाई ना हो, 113 से मार्क्स कम आए तो भी शायद क्वालिफाई ना हो। ओके, सो लास्ट थिंग यू हैव टू मेक योर टारगेट टू क्वालिफाई जीपैट। ओके, सो ये देख लेते हैं हम एक, दिस इज द मोटिवेशनल थिंग फॉर यू, कि जीपैट 2019 के जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं उसके हम मार्क्स देखते हैं। ओके, सो ये देखिए टॉप 1 जो था जो है यवलकर अंकिता नितिन। ओके, उन्होंने अपटेन किए 302 मार्क्स आउट ऑफ 500 एंड एनटीएस स्कोर था परसेंटाइल 100% स्टेटस इज द क्वालिफाई। ओके, सो 302 मार्क्स लाए हैं फ्रॉम 500। ओके, देन सेकंड वन इट इज ए मोहम्मद रियाज बेग 298 मार्क्स, कापसे अर्चना अशोक 291, वैभव गेगड़े 291, महक बिरथरे 290, आर्ग्य भट्टाचार्य
It is a 290. Gautam Vijayvargi, 286. Sweta Mittal, 278. Arsi Babar, 276. And Ruchi, 275 marks. ओके सो जीपेट के टॉप 10 में आने के लिए आपको अराउंड 270 से 300 के आसपास समझो कि आप मार्क्स लाते हो तो यू विल बी इन जीपेट टॉप 10 स्टूडेंट लिस्ट. ओके सो लेट्स चेक द जीपेट 2020 एक्सपेक्टेड कट ऑफ. सो फॉर जनरल एंड ओबीसी इट शुड बी 130 टू 140. ओके 140 के आसपास जो है वो कट ऑफ रहने के चांसेस है एज पर द अवर एनालिसिस. For SC, it should be 90 to 110. ST, it is a 70 to 90. And physically handicapped, 60 to 80 marks हम यहाँ पे predict कर रहे हैं. Okay? So, इस तरह से जो आप preparations करोगे, तो you will never disqualify in exam. So, what should be your plan? Okay? Try to score 150. आप कोई भी category में हैं. Either you are in open category, either you are in OBC, SC or ST. ओके ट्राई टू स्कोर 150. ओके सो इट इज अ सेफ स्कोर टू क्वालिफाई द जीपेट एग्जामिनेशन फॉर एनी कैटेगरी. ओके 150 मार्क्स आपने लाए हैं. ओके और योर स्ट्रेटजी टू गेट 150 मार्क्स देन यू विल इजीली क्वालिफाई द एग्जामिनेशन. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन. ओके वी विल ऑल्टी मेक यू वन मोर वीडियो फॉर यू regarding how to qualify the GKET exam, how to make the strategy, it is also available. We will give you a link in a description box, how to prepare for GPAT. The link is given in a description box. GPAT 2020 study material booklets for GPAT exam is available on a Pharmarox. Okay, we have different packages for you for the GPAT exam. It is a GPAT Mini, GPAT Mini Plus and GPAT Gold Pack. So to order this copy, you can call or WhatsApp us on 9016312020. Okay, here is in table total comparison of given of a each and every package. Okay, total MCQ, total pages, price rate and payment mode is given here. You can also join our WhatsApp groups by send your name and city name on 94261 80836 to join the WhatsApp groups where you can make the group discussions regarding the GPAT and other competitive exams related to pharmacy. So thank you friends for watching this video. Share video with your friends, subscribe the channel and press on the bell icon to get the notification of each and every new video. You can also contact Mr. Amar Rawal, owner and founder of Pharmarox, the way of success on 9016312020 on his WhatsApp number. So good luck and all the best for your exam preparation.